भाई यू क्या चेचे ब्रेड तो किसी ने और मंगाई ना। जाट जाट दिल्ली में कैसे चलता है अभी दिखा दे यार, कर दे क्रॉस। गाइस भाई आज जा रहे हैं अपने भाई की गाड़ी में अलॉय व्हील बदलवाने के लिए। अक्की भाई का हमारे का मूड बदल गया है, उन वाले अलॉय से मन भर गया हमारे अक्की भाई का। तो अक्की भाई आ रहे हैं दिल्ली और हम आए हुए हैं अभी दिल्ली चुंगू के पास। तो आकाश भाई अभी आने वाले हैं, हम जा रहे हैं उस शॉप पे जहाँ पे आकाश भाई अलॉय बदलवाएंगे, वो कहीं मिल जाएंगे हमें। खड़ी नहीं कर रहा क्योंकि एक ने जो रेट में जाके साइड वाला वही रेट बताया था, तो उस आधे बुला के हिल जाऊंगा, गाड़ी ही चेक कर लेगा, पैर देख लेगा, मरकरी पर नजारा मैं सामने ही है। गाइस भाई अक्की भाई आ गए हैं, अभी बात करने गए हैं अलॉय व्हील की। हम दोनों भाई खड़े हैं यहाँ पर, गाड़ी की हिफाजत कर रहे हैं। भाई पीने आए सिकंजी और आकाश भी यार अभी करने गए अलॉय की रेट मालूम, एक जगह पता भी करी तो उसने, अब ड्रामे दिखा रहा हूँ, पहले बताए कुछ रेट अलॉय का, कुछ और बता रहा है, तो इस वजह से अभी दूसरे पे देखने गए। अलॉय जो मतलब आकाश भी पसंद आ रहे हैं, और देखो अभी और कोई से पसंद आ रहे हैं तो कोई बात ना, इतने सिकंजी का मजा ले रहे हैं आकाश भी यार। गौरव भैया देखने गए पर यार मैं तो कम्फर्ट में बढ़ रहा हूँ, एंट्री मार रहा हूँ, 50-50 हो जाए। हेलो दोस्तों, आज हमसे मिलने आया आकाश चौधरी भाई, से हाई टू द कैमरा। और ये हमारे प्रिंस भाई हैं, ये हमारे मक्कू भाई हैं, पहलवान जी। तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप? बढ़िया हैं, बढ़िया। अब डेस्टिनी पे अब आप क्या खाने जा रहे हैं? शरीर को देख के तो परामठे वरामठे कुछ खाते हो गए। अभी 4 घंटे पहले क्या खाया था वो बताइए। इसने तो धक्के खाए हैं, छोड़ो आप बताइए आप क्या खाए हुए भाई? अपने तो प्रोटीन पी लिया गौरव भाई का। अच्छा अच्छा, गौरव भाई का नहीं, गौरव भाई वाला। अब तुम बताओ तुम क्या खाओगे? दोस्तों हम खाएंगे इन सब का दिमाग। अरे रहन दो, तुम अब कोई आपके कान में मेल भर रहा है, आप निकाल दो ना। आओ एक बार आओ, खोलो आओ आओ खोलो। दोस्तों ये हमारे कान में चाबी देना, चाबी दो, चाबी से निकाल, चाबी से निकाल। अरे हम निकालेंगे ना, जीप से निकाल दे। इन्होंने बोला किससे है? अरे जीप से निकाल दे, आजा। इन्होंने बोला किससे है? इस बंदे को देखो कितना खुश हो रहा है जीप के नाम से। भाई आपकी बॉडी तो अच्छी है। ओहो भटूरे रख के तोड़ दो इस पे। हाँ भाई तुम भी दिखा दो कुछ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है आपका? अंधे तो हो ही आप, ठीक है। देखो जी चाय के लिए खड़े हैं हमको, 30 मिनट होगी, ठीक है। या तो अब इस चाय वाले का मर्डर होगा या इस चाय वाले की दुकान उठा के हम अपनी स्कॉर्पियो में ले जाएंगे, वो खड़ी हमारी स्कॉर्पियो, ठीक है। ये भैया वैसे ही स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कहते हो प्रिंस जी इस बात पे? आप मत दिखाइए भाई साहब, आपके भाई भी होते हैं भाई साहब दिखाने के लिए ना भाई। लौटना तो देखो स्मार्ट है भाई, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने लायक। हाँ बढ़िया, स्टूडेंट स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे, है ना। और कुछ मक्कू भी आ जाते हैं कभी कभी अपने दोस्तों के नाम पे। अपने घर वालों से कह देते तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ दही बड़े बेडम पूरी कचौड़ी इनकी ऐसी ऐसी करते। वो जो ब्रेड पकौड़े तल रहे थे वहाँ पे 25-30, ठीक है। उसकी उसकी अभी बिक्री शुरू नहीं हुई, उससे कह दिया 6 ब्रेड पकौड़े मेरे कर दे। और फिर इनसे पूछ रहा है कि तुम्हें भी खाने क्या, और पैक भी करवा रहा है, पैक अलग करवा रहा है भाई। वो तो अलग बदले के मैं पकौड़े खाता रहूँ। गोरे तो बहुत हो आप, पर आप मक्कू भाई क्या राज है ये आपके मक्कू सेहत का? दिखाओ ना जो इस सेहत का राज है। सिस्टम आउटफिट तो तगड़ा ही है, देखो वो स्टाइल देखो इनकी। भाई जाटों का तो नु ही रह रहा है लाडले भाई, भाई अब जाटों के लुई रह रहा है भाई। अपा तो नु है, और अपा का क्या है? तू नहीं है भाई, तू बनिया है, तू है बनिया। अब बताओ भाई ये बनिया नहीं है भाई? आप बाहर निकाल इसको, ले तो लिया हो जाके मेरे है ना, मैं ना ले रहा। ओ, कैमरा के सामने, कैमरा के सामने सरमान लगे, ले ले ना, मत ले वो ले ले। वो
हटियो मत इसको, इसको काटना नहीं है, एक और तेरा ही जी कर रहा था ये काटना नहीं है भाई, इतना भी सच नहीं बोल रहा था आकाश भाई। ये मछली का पैकेट ही लिया है, देख मटरी खाएंगे सारी भाइयों के लिए प्यार है, मटरी ले लो भाई, मटरी खा लो, आपकी मटरी आ गई लो, क्यों ले लो भाई, ले आए क्या आप चाय? और भाई पीली पीपाली। तो गाइस चाय पी लो। और भैया कहाँ गए देखना रे? जाना ना, पैसे करने गए हैं। पैसे करने गए गाड़ी में, पहले जाकर बैठ के गाड़ी में कैसे करेगा देखिए, एक बार चेक कर देख आराम से। अबे ये बैठे रे भाई, यू क्या छे ब्रेड तो किसी ने और मंगाई ना, छे तो किसी और ने मंगाई थी, ये क्या चल रहा है भाई? यू तो मैं तेरे ले लाया ये क्या भाई, मैं तेरे ले लाया, लाओ फिर खाने जा ला ला, टेस्ट तो कर लू, ला ला ला, टेस्ट कर, टेस्ट तो कर ले, ला ला ला, अरे टेस्ट तो कर ले, टेस्ट तो कर ले, क्योंकि वो तो जाटन के नहीं अटक जाए एक। अरे मैं वो कह रहा एक बार, अरे गेट में क्या हो गया कैसा है वैसे कैसा है वैसे? आई आई द बॉयज, ठीक है थोड़ा सा तू ही खा ले भाई ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, सब चोरी चुपके चल रहा था मैं, ये पटक रहा और हमें चलना भाई, पर चुनमुन कुन्ने के छोले भटूरे तो हो ही नहीं। हाँ यार, तू कह रहा छोले भटूरे खाने की, कहाँ चले पता? जैसे मैंने ब्रेड पकौड़े खाए ऐसी मैं जो, अरे इधर करो, जैसे मैंने ब्रेड पकौड़े खाए ऐसी मैं वो खा लूंगा छोले भटूरे। तो दोस्तों इसकी बात मतलब तुम्हारा मन हो रहा है बोलने खाने का, इसकी बात हम बताना ठीक है, इसको देख के लग रहा है भटूरा पहलवान, ठीक है तो खैर सब पता, अपने आप को संतुष्टि मत दो, ठीक है हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। तो आकाश भाई ये हम पहले हम विजयनगर दिखा दे अपने दोस्तों को, अपने YouTube फैमिली को। तो गाइस ये है विजयनगर, खाने पीने की बढ़िया जगह है, आप कभी भी आ सकते हो, और शाम को होगे तो आप यहाँ एक अलग ही नजारा देखोगे, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग रहे ना सजा हुआ बढ़िया, बड़े बूढ़ों के लिए रेस्ट्रिक्टेड मतलब अगर आप यहाँ आते हो तो शायद आपका कोई बच्चा यहाँ नहीं आ पाएगा सीधा ले लो भाई, कहाँ रोक रहे हो? ये हमारा चार्मिंग कैंपस, ये पहलवान जा रहे हैं, तो ये मनोहर भी का नहीं रहे हैं, हम कभी कभी खा लेते हैं मटरू मटरू से, हाँ इनको सारे बच्चे मटरू लगते हैं, पहले इनकी तरफ देखो, वो जो मैं आपके लिए लेके आया था उस दिन, क्या बंद पकौड़ा जो आपने 8-10 खा लिए थे, यार नहीं लेके आया था वो स्पेशली लेके आया था मनोहर से, हाँ अच्छा वो खाने की चॉकलेट का सचो, हाँ वही वही वो वहीं से लेके गया था, ये भाई बंदा ना बहुत ज्यादा वो है, थोड़ा सा ना झिझकता ये बंदा ना झिझकता है चीजें लेने में, तो इनडायरेक्टली करता, मतलब छोटा भाई है बहुत समझदार है, कभी कोई डिमांड नहीं करता है ना, पर इनडायरेक्टली कह भी सब देता है, अब इसको जार खाना है, वैसे ये खुद जार है अब इसको जार खाना है, चल रहा है ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इसको हम जार खिलाएंगे। तो दोस्तों ये अपना पुराना फ्लैट आ गया, हाँ गाइस मैं रहता था, कोई मतलब 50 मलंगों का फ्लैट था वो, यहाँ कोई फ्री एंट्री थी, कोई 50 मलंग आते थे सुबह शाम, मोमेंट रहती रहती थी, हाँ, वो रील वाली है ना, हाँ और इन गलियों से दोस्तों पुराना संबंध है हमारा, संबंध जताए नहीं जाते, इधर ले लो आप एक बार थोड़ी सी पुरानी यादा, देखो दोस्तों इसे जानते होगे इस नाम को आप, कज्जा टके, पुरानी यादें ताजा करने यहाँ क्यों जा रहे हो भाई, अपने फ्लैट पे जा रहे हैं नए वाले में बता भाई, ये जो बीच में लोग फालतू की बातें बोलते हैं ना, इन्हें फिर कैमरे में और आते हैं कैमरे में आने का मौका, अरे फिर
एक तो मेरा चेहरा ही बड़ा करना पड़ेगा, ये कैमरे में आने का ना मौका चाहिए, लाइम लाइट में आना कोई बात है। आप दर्शकों इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अरे इसमें तू रहता था ना, इस पीजी में, सिमरन गर्ल्स पीजी में, चुनमुन पे। हाँ मैं रह गया ना, लेफ्ट लेना काज भाई यहाँ से ना। और देखो इस चाट वाले पे है, एक चाट वाला है श्याम चाट, इस पे कोई 3-3 घंटे ये चुनमुन बैठा रहता था, ये श्याम चाट वाला बंडा। तो श्याम चाट तो वही रह गया और बंडा रही हो गया। दोस्तों आज हमने ना इसकी इतनी लेनी देनी कर दी है कि ये आज ही जाके जिम में वर्कआउट शुरू कर देगा, ठीक है। अरे भाई ने कर दिया जिम शुरू, और जिसको चाहे उसको दू लपेट। पर तुम तो लपेटना तो सिर्फ छोले भटूरे को ही सकते हो। मतलब बार बार खुद का खाने का मन हो रहा है। जार खाना था तेरे को? मुझे कुछ नहीं। अब हम जा रहे हैं कैंपस एरिया में, आज मैं दिखाऊंगा आपको वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस, दैट इज फैकल्टी ऑफ लॉ एंड एफएमएस। तो ये है पटेल चेस्ट, और हम पटेल चेस्ट की तरफ चल दिए हैं, ठीक है। ये हमारे आकाश भाई है, ठीक है, ये अपने बहुत खास भाई है, लग नहीं रहे होंगे पर है। ये इनको तो जानते ही हो आप, प्रिंस जी, एवरीवन्स फेवरेट मक्कू चुनमुन, सेक्सी बॉय, ठीक है। दोस्तों ये है पटेल जस्ट, इधर चाय पीते हैं और चाय के साथ जिसको जो पीना होता है वो पीते हैं, अपने आप को समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार तो सब है। देखो यार चलो एक बार जाट देना, जाट दिल्ली में कैसे चलता है अभी दिखा दे यार, कर दे क्रॉस। एक्चुअली मैं भाई लॉ कर रहा हूँ, तो लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन को हमें देखना है तो रूल्स फॉलो करने चाहिए, है ना, समझ रहे हो, रूल्स फर्स्ट। सीट बेल्ट लगी हुई है पर मेरे नहीं लगी हुई है। ये देखो लगी हुई है ना। वो अलग बात है, तो रूल्स फॉलो करने जरूरी है, अब कैसे हो रहे हैं वो मैटर नहीं करता, इंटरप्रिटेशन इज ऑफ लॉ इज वर्क ऑफ लॉयर। देखो कैसे हंस रहा है, एक बार दोबारा हंस के दिखा, दर्शक डर जाएंगे। अगर तेरे भाई प्रिंस, अगर तेरे इसके बाद कुछ फॉलोअर्स कम हुए, ठीक है, तो इसमें हमारी गारंटी नहीं है, और तू घर पे जाके छिते उसमें भी हमारी गारंटी नहीं है। बाकी ठीक है, छितना तो बनता है तेरा थोड़ा सा तो, ताकि क्योंकि तू आफ्टर ऑल किसके साथ बैठा है, चुनमुन प्रधान है। चुनमुन जी कुछ कहिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे हो आप? पिताजी का फोन आ गया आपके, तो स्ट्रेस से बढ़ गया दिमाग में, पसीने दे रहे, एसी तो पुल पे चल रहा है, बताओ पापा जी को कहो, पापा जी मैं तो जी पढ़ रहा था। अरे ये भटूरे वाले की आवाज कैसे आ रही है? अजय पापा जी ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं पापा जी। दोस्तों ये आ गया फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है, द वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, एक्चुअली आई एम स्टडिंग देयर, यस, रिटर्न कर गया, ये अपना कैंपस लॉ सेंटर। अब देखो बकचोदी होगी कम, क्योंकि अब चल गए चाटो गाने, कई बैंड छोड़ दे रे सुन जाट तू, अपनी बैंड के टके जो कहते हाथ दे नागे, उड़ जाके अंगली घुमाई ना ताने, बैंड के टके जो कहते हाथ दे नागे। देखो देखो ये ही है वो लड़के जो जाटों का नाम थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। देखो इस मक्कू को देखो, एक बार दोबारा ऐसे दांत बीच के उंगली घुमा। तो क्या फायदा हुआ मेरा खास भाई है, क्या फायदा है ऐसी बॉडी बनाने का, कुछ 24 साल से सिंगल है। देखो पीछे वही चिन्नी चोरी हरकत है, देखो हाथ दिख रहा है वो पीछे मक्कू का ही, उसको देखो देखो दांत और फाड़े ऐसे। राम राम सभी, ठीक है यार, अब थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बातें कर लेते हैं। राम राम सारे भाइयों को, मैं तुम्हारा भाई गौरव चौधरी, आज तुम्हारे सामने एक मैं तेरा भाई जय चौधरी, जो कि भाई पीछे देखो मूड की मूड पे थूकना है वा फेस, कोई आई आई या द बॉयज भाई, तू पता नहीं जाट कम और वो ज्यादा लग रहा है चाइनीज, एक बार तू मूछ मूछ करके दिखा दे इनको, चट्टा के छोरे हैं ब्रो, यहाँ फंसा मत, यहाँ से मैं वैसे ही चला जाऊंगा पैदल ही।
दोस्तों अब हम करते हैं जर्नी का एंड। नहीं जर्नी तो बहुत लंबी है भाई। नो एक्चुअली मेरी तरफ से एंड हो रहा है, बाकी ये भाई कंटिन्यू रखेंगे और हम जल्द मिलेंगे प्रिंस भाई के साथ, ठीक है, गौरव चौधरी एकेडमी और इंस्टाग्राम। गाइस दिखा रहे भाई आपको अलॉय, ये डायरेक्ट फिटमेंट वाले ही बताना, डायरेक्ट फिटिंग ये है भाई बस, और वैसे चाहिए ये डायरेक्ट जरा का कर दो भाई। ये 20 ये 22 में नहीं है भाई, 20 से नहीं, ये वाले 22 में नहीं है, जितना खाली भी होगा उतना बड़ा लगेगा, मैं से देख लूं जितना खाली भी रहेगा, ये 23 ये दो है, वो 20 है, ये वैसे तो ये तो ये 20 है ना, ये तो वही है ना अपना वाले 18 वाला, हां 18 तो दूर से अंदर का छोटा सा उस साइड में देखा, हाँ बड़ा सा। ये कैसा लग रहा है? अच्छा है अभी। मनमोजी है, कल को 22 ही गिरवाने आ जाएंगे अक्की भाई, पता कुछ नहीं है, सिस्टम बना दे। भाई आकाश में हमारे तो दो का तीन भी जहन है, वो पसंद आ रहा है, चार है, चार हाँ ना, एक तो वो ही है ना, बस पैसा बना तो बस अभी साइज में थोड़ा 18-20 का 18 और 20 का फर्क है, उसे चेक करवा रहे हैं, देखो कौन सा पसंद है, और आपको भी जब भी दिखाएंगे ना है। फुल लोडेड सिस्टम है भाई, अरे आराम से भाई आराम से, गाड़ी मार दी कि ले पहला तो बाद में डालेंगे, डालो तुम अपने ही ने संभालो। बैठ रहा गाइस, भाई अब देखो अब आने वाली गाड़ी का रिव्यू भाई, चेक करो ये 18 इंच और भाई ये 20 भाई 18 इंच दोनों, ये दोनों 18 हो गया, 20 के बाद दोनों 20 हो गए, दोनों 18 हो गए। गाइस भाई अभी मैं अलॉय व्हील लोगों को बाय बाय करने का आ गया है टाइम, बहुत टाइम चलाने वाला अभी, लग रही आ रही है लुक आखी भाई के चेहरे पर, खुशी खुशी ना होगी पैसा भूखा लग रही है, इट्स गुड नहीं बताओ, बाकी YouTube से पूछ लो भाई।
सो गाइस अक्की भाई कह रहे हैं कि कमेंट में बताएं एलॉय कैसे लगे सबको, तो सब चीजें दिखाई दी और कुछ रह गए होंगे तो बस वीडियो में कम आते हैं पर रियल में अच्छे लगे। हां रियल में जो है वीडियो में जो एक लुक है ना सही वो वाली ना आ पाती है, दबी दबी सी लगे गाड़ी। स्टीयरिंग भी थोड़ा लाइट हो गया क्योंकि पहले वाले एलॉय हैवी है ना। जय श्री राम। ताकस भी आपके क्या इस पर वर्ड है कि पैर कैसे लगे आपको एलॉय व्हील? अच्छे है भाई, बढ़िया है। संतुष्ट हो आप इस चीज से? जो सोचे उससे बढ़िया है। पर जब इतनी वो नहीं, पर जब आप खड़ी जब देखे जब ज्यादा लुक प्यारी लग रही है। सिगरेट उड़ाने भैया जब सुबह चुनू भाई आपकी क्या राय है एलॉय पर, वो चलने बाद में बताओ। ले भाई सिस्टम। सो गाइस भाई आप भी कमेंट में बताना आपको कैसे लगे। देखो हमें तो सब अच्छे लग रहे हैं पर कुछ चीजें ऐसी होती है सामने से कुछ और दिखती हैं और वीडियो में कुछ और ही दिखती हैं, तो इस वजह से। वैसे तो हमें बेस्ट ही लग रहे हैं, बेस्ट लग रहे हैं इस वजह से डलवा दिए हैं। एक दो सेट और थे वैसे तो सभी दिखाए मैंने, पर ये बढ़िया है। अक्की भाई कोई एक दिन ने रिएक्शन दे दिया ना तो इस वजह से लड़ रहे हैं कि देख क्यों नहीं गाड़ी। पता है यहाँ पे जैसे अभी काले वाले रिम ले जा रहे हैं ना बाहर विदेश में, उनकी डिमांड है। हाँ बनाए उनकी डिमांड विदेश में। क्या बोले मालिक नहीं है ले लेते हैं टायर आएंगे जब करा थे, आज नहीं होगा कल।